टू माय चैनल द शो मास्टर। एक खबर आ रही है जिसमें जन्नत जुबैर जो एक इंस्टाग्राम में जिसका 40 मिलियन का जो फैन फॉलोइंग है, वो लॉकअप के जो शो है कंगना रनौत के, उसमें पार्टिसिपेट करने का एक खबर आ रही है। और एक्चुअल में एक खबर नहीं, जिसमें एक इंटरव्यू लेते हुए कंगना रनौत और जन्नत जुबैर के बीच में एक इंटरव्यू था, वो सीन दिखाया गया है प्रोमो में और लाया गया है। और 27 तारीख को जो ये शो शुरू होने वाला है, तो ऐसा लग रहा है कि जन्नत जुबैर जो है वो इस शो में पार्टिसिपेट करने वाली है। और इसके साथ और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट, बट कुछ खुलासा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ही सीक्रेटली दबा के रखा हुआ है इस चीज को। अभी कंफर्म नहीं कि जन्नत जुबैर क्या इस चीज का प्रमोशन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये कोई आइडिया नहीं है। ये 27 तारीख को ही सब पता चलने वाला और खुलने वाला है। ये शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि जन्नत जुबैर का प्रमोशन हो सकता है। अगर ये प्रमोशन नहीं है तो फिर जन्नत जुबैर को आप पहला कंफर्म सदस्य मान सकते हैं इस शो का। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, 40 मिलियन का सब्सक्राइबर है उसका, तो शो कितना बड़ा होने वाला है ये इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 मिलियन का सब्सक्राइबर मीन्स और 40 मिलियन लोग देख सकते हैं जन्नत जुबैर के लिए। तो बस सोचिए कि और बाकी कंटेस्टेंट्स कैसे होने वाले, जहां तक कि नाम आ रहा है प्रत्येक सहजपाल, उमर रियाज, ये सब अभी कुछ कंफर्म नहीं, लोग नहीं हो सकते, मुझे नहीं लग रहे लोग होंगे। इतना बिग बॉस 15 में लोग इतने देर तक घर के अंदर थे, अभी लॉकअप में जाएंगे 72 डेज, ये मुश्किल लग रहा है। तो इसमें सब फ्रेश फेसेस होने के ज्यादा चांसेस है, नए फेस होंगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत बड़ी टक्कर होने वाला है एमएक्स प्लेयर और आर्ट बालाजी की तरफ से ओटीटी प्लेटफॉर्म में जितने भी बाकी चैनल्स है उनके लिए। तो देखते हैं क्या है, जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।